हेलो दोस्तों, MIMTS इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है माल्टा के बारे में। माल्टा के स्टडी परमिट के बारे में हम लोग जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें ज़्यादातर टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहले जहाँ पर बंदा पढ़ने जा रहा है उसके बारे में जानना चाहेगा कि माल्टा है क्या। माल्टा एक छोटा सा यूरोपियन आइलैंड है जो शेंगेन जोन में आता है, और इसी वजह से माल्टा की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज शेंगेन जोन के अंदर आने की वजह से माल्टा में लैंड करने के बाद पूरे शेंगेन जोन में जो 26 कंट्री है उसमें बंदा ट्रांजिट कर सकता है, उसमें घूम सकता है। माल्टा के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि माल्टा वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट इन यूरोप है, बिकॉज वहाँ का जो क्लाइमेट है वो मेडिटेरेनियन है, और ज़्यादातर साल के अंदर सनी डेज होते हैं वहाँ पर। वहाँ की बीचेस फेमस हैं, वहाँ के सन किस्ड बीच बोलते हैं वहाँ पर। सेकेंड थिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है माल्टा की कि माल्टा में इंग्लिश इज़ द सेकेंड नेशनल लैंग्वेज। वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर माल्टीज सबसे पहली नेशनल लैंग्वेज है, और उसके बाद जो सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। और इसी वजह से वहाँ पर जब हम लोग काम करते हैं, पार्ट टाइम काम करता है बंदा स्टडीज़ के ड्यूरेशन में या उसके बाद, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती, लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में उनकी खुद की लोकल लैंग्वेजेस हैं और उसी को प्राइमरी डोमिनेंसी उस कंट्री में मिली हुई है। लेकिन माल्टा एक ऐसी यूरोपियन कंट्री है जहाँ पर माल्टीज के साथ साथ में इंग्लिश को भी एक तकरीबन इंग्लिश के बारे में एक रिसर्च के हिसाब से 88% लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। सो लैंग्वेज का बैरियर काम करने में, पढ़ाई में नहीं रहने वाला है। आगे जो एक और वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, पार्ट टाइम किस तरह से वहाँ पर काम होता है और पार्ट टाइम में क्या अर्निंग हो जाती है उसके बारे में एक और वीडियो बनाऊँगा, वो एक अलग टॉपिक है। और ज़्यादातर जो जॉब्स होती है उसके बारे में बता दूँगा आपको कि ज़्यादातर जॉब्स वहाँ पर है टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, बिकॉज माल्टा एक टूरिज्म बेस्ड कंट्री है और वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्ट स्पॉट इन यूरोप। सो ज़्यादातर लोग वहाँ पर टूरिज्म के बिजनेस में ही हैं और टूरिज्म से रिलेटेड ही जॉब्स वहाँ पर अवेलेबल होती है। और लिविंग एक्सपेंसिस के बारे में आपको बता दूँ, पार्ट टाइम वर्क का तो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, साथ साथ में मैं लिविंग एक्सपेंस फॉर स्टूडेंट क्या होते हैं नॉर्मली वो उसके बारे में भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तकरीबन 300 से 500 यूरो के बीच में आपको लिविंग एक्सपेंस रहेगा, और एवरेजली पकड़ लीजिए 350 से 400 से ज़्यादा नहीं होगा। एक बंदा अगर अच्छे से भी रहता है देन ऑल्सो 350 टू 400 यूरो इज मैक्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक्सपेंस होगा। स्टिल अगर आपकी आउटिंग फूड बाहर खाना ज़्यादा होता है तो 500 यूरो तक जा सकता है। Now let's come to the education system of Malta. Education system के बारे में बताते हैं कि वहाँ पर ज़्यादातर colleges UK type education model को follow करती हैं, और उनका जो syllabus curriculum होता है वो UK based होता है, because most of the institutes and universities are in technical collaboration with UK universities. ये कोई pathway नहीं है, लेकिन वहाँ की भी जैसे किसी ने बंदे ने degree की तो he or she will get a level 6 diploma from that particular institute and a degree from UK, like Northampton है, Anglia Ruskin है, और बहुत सी universities हैं UK की जिनका collaboration है वहाँ की local institutes के साथ में। अब बात करते हैं majorly जो education system है वहाँ पर, हर जगह की तरह यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स में डिवाइडेड है। मतलब एक यूनिवर्सिटी बेस्ड एजुकेशन है और एक एकेडमी और इंस्टीट्यूशन बेस्ड एजुकेशन है। वहाँ की टॉप टू यूनिवर्सिटीज़ में शामिल होती है यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा एंड एमकास्ट, और एकेडमीज में और इंस्टीट्यूशन में आ जाता है डोमेन एकेडमी एंड EIE माल्टा। अब पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या फ़ायदा है। माल्टा सबसे प्रेफरेबल कंट्री उन लोगों के लिए है जिनकी एजुकेशन के बाद लॉन्ग गैप है,
वैसे एवरेजली 7 to 8 और मैक्सिमम 9 ईयर्स तक हम लोग बोलते हैं एज अ कंसल्टेंट, लेकिन कुछ कुछ केसेस में 12, 13, 14 साल के गैप के बाद भी वीजा आए हुए हैं। सो देर इज नो सेट ऑफ पर्टिकुलर क्राइटेरिया कि इतना गैप ही होगा, लेकिन माल्टा का वीजा मिलना आसान है, और अगर वहां पे यूनिवर्सिटी हमको ऑफर लेटर दे देती है और हम लोग बाकी के रूल्स अगर हम लोग फॉलो कर लेते हैं और कंडीशंस फुलफिल कर देते हैं, तो फिर हमारे लिए वीजा मिलना आसान हो जाता है। माल्टा की दूसरी सबसे अच्छी चीज है आफ्टर गैप कि रोलिंग इनटेक्स होते हैं। एक इनटेक मिस कर गए तो कोई मसला नहीं, उसके 2 महीने के बाद एक और इनटेक आ जाएगा। उमूमन ज्यादातर 4 से 5 इनटेक, किसी किसी कॉलेजेस में 6 इनटेक, मतलब every 2 months each intake, ये भी होता है। और जिन लोगों के लिए IELTS एक हर्डल है, यहाँ पे IELTS की कोई कंडीशन नहीं है। IELTS देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है और MOI देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका जो लास्ट क्वालिफिकेशन है, मतलब अगर आप level 4 या level 5 डिप्लोमा करने जा रहे हैं, तो आपको होना चाहिए 50% इन 12th, और अगर आप level 7 मतलब मास्टर डिग्री करने जा रहे हैं या level 8 level 7+ करने जा रहे हैं, तो आपको 50% इन ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो दूसरी कंट्रीज में 55 और 60% है। मतलब ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिनको IELTS एक हर्डल लग रहा है, और उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिनके ग्रेजुएशन में 55 या 60% से कम मार्क्स हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, जो वीजा इंटरव्यू है वो बहुत लीनियंट होता है, इसी वजह से वीजा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टिल इंस्टीट्यूट्स के अंदर एक सबसे बड़ी बोलते हैं कि टॉप मोस्ट सेलिंग पॉइंट, इसका USP यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि जितनी भी फीस है वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाएगी वीजा आने के बाद। सो हम लोग का कोई रिस्क नहीं है, फीस भी हमारे पास ही रहने वाली है, वो इंस्टीट्यूशन को जाने वाली नहीं है, और फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। एवरेजली फीस 6,000 से 10 to 11,000 पर ईयर रेंज करती है, और आप नॉर्मली जो नॉर्मल इंस्टीट्यूशन होते हैं उसके अंदर आपको 7,500 से 8,000 पर ईयर के अंदर आपका काम हो जाता है। अप्रोक्सीमेट अगर हम लोग खर्चा देखने जाएंगे, इफ़ यू कंसिडर 7,500 पर ईयर, सो 7,500 × 80, 80 का एवरेज रेट होता है यूरो का, तो 7,500 € × 80, तो तकरीबन 6 लाख रुपया फीस बन गई पर ईयर। और आप 1 से 2 लाख एक्स्ट्रा पकड़ लीजिए फ्लाइट के, और आप कैश इन हैंड कुछ लेकर जाएंगे, और वीजा के एप्लीकेशन के सब मिला के, अपॉस्टल के सब मिला के 102 लाख रुपये और पकड़ लीजिए, तो 7 से 8 लाख रुपये में आप माल्टा पहुंच सकते हैं। सो गाइज, ये था हमारा वीडियो आज का। मैंने इसको हो सका इतना डिटेल और शॉर्ट रखने की कोशिश की हुई है, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारी चैनल को, बिकॉज आगे जो हम लोग वीडियोस बनाने वाले हैं, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, बिकॉज हमारे जो आगे वीडियोस आने वाले हैं, जैसे कि पार्ट टाइम वर्क के बारे में इन माल्टा और अलग अलग कंट्रीज के बारे में हमारे वीडियोज आएंगे। स्पेसिफिकली मैं माल्टा की सीरीज चला रहा हूँ, सो माल्टा के बारे में हमारे आगे वीडियोज आएंगे, जैसे पार्ट टाइम जॉब्स इन माल्टा और लिविंग एक्सपेंसेस इन माल्टा, टूरिज्म इन माल्टा, ये सब चीज़ों के बारे में हमारे वीडियोज आने वाले हैं। तो बेल आइकॉन भी दबा लेना सब्सक्राइब करने के बाद में, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझको सेंड कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।